कैसे उस बेटे को मर जाना चाहिए और कैसे उस चगलखोर को मर जाना चाहिए जैन, जो यहाँ की बात वहां कहता हो और वहां की बात यहाँ कहता हो। सजनो और बताया, कैसे उस औरत को मर जाना चाहिए और कैसे उस पति को मर जाना चाहिए। अगर बात अच्छी के साथ सच्ची लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद हो जाए। उसते कह दे वो लंकार मरियो रे, इसकी सुनते उसते कह दे वो लंकार मरियो रे। यार जिसम बेच जो नोट कमावे, जिसम बेच जो नोट कमावे, ऐसी नारी मरियो रे। और अब तो बिल्कुल अगली लाइन में कवि ने बिल्कुल तोड़ कर दिया और यहां तक लिख दिया, भाई सजनों ताली चाहूंगा बस और कुछ नहीं चाहूंगा, दोनों हाथों की सुन करके, और कह दिया क्या, ए रह तू जी ब्याह के लोगो, तू जी ब्याह के लावे ऐसा बल में हजार ही मरियो रे, तू जी ब्याह के लावे ऐसा बल में हजार ही मरियो। हमारे बीच में भूमि ठेकेदार जी नवादे से और रतन बाबू जी नवादे से हमारे बीच पहुंचे, मैं उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आदरणीय रोहतास यादव जी हमारे बीच पहुंचे, मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। कहिए बाबा क्या कहना चाहते हो। रोहतास भाई आ जाओ, कोरी कोरी बात कर रहा है, कभी बहुत जोर को है तो एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। सजनो लास्ट की कली में जब भी कोई कभी अपनी भजन या रागनी लिखता है उसका अंतिम निचोड़ लास्ट की कली में कर देता है। सजनो आज से 50 और 60 साल पहले हमारे हमारे समाज के अंदर, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भी कोई मेहमान या अतिथि आता था उसका दूध दही घी अच्छे अच्छे खाने बनाया करते थे, उनकी अच्छी सेवा किया करते थे। सही कह। आज का समाज, आज का माहौल कैसा हो गया, अगर किसी के घर पर डसोटन का प्रोग्राम हो, किसी के घर पर रिसेप्शन का प्रोग्राम हो, किसी के घर पर लड़का लड़की की शादी की बात हो तो पहले फोन करके रिश्तेदार या पूछ ले, रिश्तेदार सौंझ को कोई जुगाड़ भी है या वैसी तेल फूकनो। अगर सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ तो मत बजाओ ताली और सही कह रहा हूँ तो ताली बजा दो। सजनो आज बड़ी शर्मिंदगी की बात है, अगर दारू बियर का इंतजाम हो तो आवे, नहीं तो बेकार की जो कहे तेल फूकनो है, हम तो अपने घर ही ठीक है बेकार की। अच्छा देसी मिल जाओ और चाहे रिश्तेदारी में चले जाओ, देसी को पौवा दे तुरंत पर्चे दे चा प्याज के घंटे ते खबा पे बाल, और दसंत और न्यो कहो बस तेरी कसम बिल्लू के विवाह में आया हूँ और इतनी जोर की सेवा भरी है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सजनो कैसे उस पीने खाने को मर जाना चाहिए, कैसे उस रिश्तेदार को मर जाना चाहिए और कैसे उन गायक कलाकारों को मर जाना चाहिए, कैसे उन लेडीज कलाकारों को मर जाना चाहिए, साउंड बारे तू भी मरेगा।
के कैसे कैसे लोगों को मर जाना चाहिए और कैसे उन कवियों को मर जाना चाहेंगे, हमारे भाई कुछ बताना चाहते हैं। भाई, हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी गांव कोटा से सरपंच है सत्य सरपंच जी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। उनका यहां पहुंचने पर मंदिर कमेटी की तरफ से गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दे सत्य सरपंच जी का। देखिए कुछ दानी दाताओं की सूची हमारे बीच में एक बार बता देता हूँ। मंजीत सनौ पणंगपाल 2000 रुपए अभयपुर से हैं, 250 रुपए गिरिराज सनौ चरनू, 5100 रुपए बिल्लू प्रधान है दमदमा से 5100 रुपए का योगदान दे रहे हैं। सुक्का अभयपुर 100 रुपए, महेश पाल और पिंटू एडवोकेट अभयपुर से, और आप सभी जानते हैं परिचय के मोहताज नहीं, हमारे गाँव शहजाबाद से हमारे भाई है, बहुत युवा साथी है, समय समय पर युवाओं की आवाज उठाने का काम करते हैं, कोई भी सामाजिक कार्य हो हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे हमारे भाई मनोज शहजाबाद जी 3100 रुपए का योगदान मंदिर के लिए दे रहे हैं, जोरदार ताली बजा और 500 रुपए हमारी पार्टी के लिए देते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान हो जाए। पार्टी के लिए भी दे रहे भाई, जोरदार ताली बजा दे भाई, धन्यवाद प्रधान। और सज्जनों आइए, लास्ट की कली में बिल्कुल निचोड़ कर दिया और क्या बता दिया, कैसे लिख दिया भाई छोरे। रिश्तेदार ऐसा नया पुराना मरियो रे, जात बिगाड़े रिश्तेदार ऐसा नया पुराना मरियो रे, यार मरिया दाने तोड़े ऐसा, मरिया दाने तोड़े ऐसा गंदा गाना मरियो रे, तुलना करता ऐसा सतन खटाना मरियो रे, जोरदार ताली करता कलियो से ऐसा सतन खटाना मरियो रे, यार मतलब का संसार रे लोगो, मतलब का संसार रे लोगो, अरे झूठी सब माया रे, अरे झूठ कबरियो रे, चल गए मानी ताप जगत मचा, जगत में छाया रे। अगर राग नहीं अच्छी